हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है। मैं आपका स्वागत करता हूँ टिलटेरियन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। ये पॉलिटी सीरीज के क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन का सेकेंड वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी योर टेस्ट टू। आप लोगों को स्कोर्स का ख्याल रखना है कि कितने स्कोर्स, और देन बेस्ड ऑन योर स्कोर्स आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ये इंडेक्स मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, ये इंडेक्स, ये स्लाइड सभी स्लाइड्स में कॉमन होने जा रही है। सो अगर आप 12 से 14 एमसीक्यूज करते हो देन दैट इज कैन बी कंसीडरिंग द डिफिकल्टी लेवल। ऑल दो आज के क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं है, प्रीवियस जो टेस्ट वन था उसमें क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा था, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में अगर 12 से 14 आप स्कोर कर लेते हो इफेक्टिवली, 12 से 14 क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, देन दैट इज गोइंग टू बी अ गुड स्कोर। और अगर 16 to 20, ये मैं एडिट कर दूंगा, 16 to 20 अगर आप कर रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी अ एक्सेलेंट स्कोर, ठीक है। नाउ विदाउट एनी डिले लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट इट इज आस्किंग, सो ऑफकोर्स रेजोल्यूशन किसके कहाँ मूव करोगे, राज्यसभा, ठीक है। सो राज्यसभा ओनली, बी इज गोइंग टू बी द आंसर, मोस्ट प्रोबेबल यस बी इज द आंसर। सेकेंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैबिनेट कमेटी, नॉट करेक्ट पूछा है, है ना। सो नॉट करेक्ट, सो लेट मी रीड। वीडियो आप लोग पॉज कर सकते हो और फिगर आउट कर सकते हो वट वुड बी द आंसर। आई एम एंटरिंग इन टू द एक्सप्लेनेशन। सो द फर्स्ट, नॉन कैबिनेट मेंबर्स आर डिबार्ड फ्रॉम द मेंबरशिप, नो नॉन, ऑल दो प्राइमरली जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वही मेंबर्स होते हैं, बट देर इज नो सच थिंग कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो नहीं है, MOS है, ठीक है, वो नहीं हो सकते इसके मेंबर्स। तो दिस इज नॉट करेक्ट, एंड नॉट करेक्ट एक्चुअली पूछा है। दे आर ओनली हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर, नो, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी हेड करते हैं ना कैबिनेट कमेटीज को। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, एंड नॉट करेक्ट ही पूछा है। सो फ्रॉम माय असेसमेंट द आंसर शुड बी सी, लेट अस सी व्हाट इज, सो आंसर इज सी। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड इन टू द DPSP। सो यू हैव दिस थ्री काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन, जिसमें कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं वो अपने को बताना है, ठीक है। सो टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, नो, ये वाला जो है ये आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स है, ठीक है। टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, तो ये वाला आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में है। टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड, और ये वाला भी आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सो टू एंड थ्री शुड बी द आंसर फ्रॉम माय असेसमेंट। अगर सोशलिस्ट पूछा तो सी शुड बी आंसर, लेट अस सी व्हाट इज द आंसर, सो सी इज द आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज दिस इंस्ट्रक्टिंग, सो करेक्ट अपने को बताना है विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सो दे आर मीन टू प्रमोट द आइडियल्स ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, नहीं भाई, ये दीज आर मीन्ट टू प्रमोट पोलिटिकल डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स हैव नॉट गॉन एनी चेंज सिंस इंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे चेंजेस हो चुके, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, एंड वी हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। सो कोई करेक्ट नहीं है, सो डी वुड बी द राइट आंसर, नाइदर वन नॉर टू, सो डी इज द राइट आंसर। फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड करेक्ट अपने को बताना है। वीडियो पॉज करके आप लोग अपना आंसर फिगर आउट कर सकते हो। इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ, यस करेक्ट। इट वॉज अ फुल्ली इलेक्टेड बॉडी, नो इट इज नॉट फुल्ली इलेक्टेड बॉडी, इट वॉज इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड बॉडी। So from my side, because correct pucha, so this is only statement that is correct, and hence A should be the answer. A is the answer. Sixth, which of the following has been defined as the conscience of the constitution? Of course, DPSP, no doubt, right? So sixth ka A answer. Which of the following falls within the meaning of state under Article 12 of the Indian Constitution? Ab explanation part mein main nahi jaunga because Article 12 ko maine काफी डेडिकेटेड, मैंने 15-1 मिनट का टाइम लेके कवर किया हुआ है। सो सी, हाई कोर्ट, वेदर कोर्ट शुड बी, जुडिशरी शुड बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ स्टेट और नॉट, उस वीडियो के लास्ट में मैंने कवर किया हुआ, सो आई होप यू वुड हैव वॉच्ड दैट वीडियो, ठीक है। सो हाई कोर्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा, हाई कोर्ट, कोर्ट जुडिशरी के दो पार्ट है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक जुडिशरी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट इज कंसीडर्ड एज स्टेट, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। अदरवाइज एक्सेप्ट हाई कोर्ट, बीट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बीट LIC, बीट पंचायत, ऑल अदर कॉम्पोनेंट इन दिस क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एज स्टेट, ठीक है। हाई कोर्ट को मैं क्यों नहीं मान रहा हूं,
ये आर्टिकल 12 वाला वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। 2, 3, 4 कहीं है क्या? डी, यस, सो डी शुड बी द आंसर। 8th क्वेश्चन को हम लोग मूव कर रहे हैं। विद रेफरेंस टू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द हाउसेस। सी, अब इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट बताना है, और यहाँ मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, उन्होंने 15% कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, और 15% जैसे ही क्वेश्चन का पहला लाइन जो है या पहला सेगमेंट जो है करेक्ट हो जाता है, आप लोग जंप करते हो, ओ हो दैट इज करेक्ट, बट सेकेंड सेगमेंट सेम स्टेटमेंट का आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है। जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 15% साइज लिमिट करने की बात तो जरूर कही थी, बट जब बात कही थी कि 15% ऑफ व्हाट, सो 15% ऑफ साइज ऑफ लोकसभा एंड नॉट द बोथ हाउसेस, सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग, और हमें बताना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, नॉट द बोथ हाउसेस। द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन टू एनी कोर्ट, सो दैट इज करेक्ट, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 इज द ओनली करेक्ट फ्रॉम माय साइड, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा सीखा करोगे कैसे हैंडल करना है, 2 ओनली, ठीक है। ये नहीं कि आधा स्टेटमेंट पढ़ा, आधा स्टेटमेंट का अगर एक हाफ सही है तो उसको सही किया, सही माना, और सेकेंड हाफ जोश जोश में उन्हें पढ़ा नहीं, तो वो मिस्टेक हम लोगों को नहीं करनी है। 9th क्वेश्चन है, मूविंग टू, विद रेफरेंस टू द DPSP कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें करेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू द DPSP, दे आर फंडामेंटल इन टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यस ऑफ कोर्स, DPSP along with the fundamental rights aim at establishing socio-political democracy in India. So that is also correct, and correct here main batana hai. So C would be the answer. Both one and let us see what is the answer. Yes, C is the answer, right? Consider the following statements. A person, or correct apne ko batana hai. A person who is not a member of either house of the parliament can also be appointed as minister. Yes, of course. Theek hai. Aap aur main member nahi bhi hai, tab bhi agar कोई पार्टी चाहे, राइट, जो कि जिसके पास नंबर्स हैं, मेजोरिटी मार्क है, वो हमें मिनिस्टर अपॉइंट कर सकती है। द ओनली शर्त इज, द ओनली कंडीशन इज दैट वील हैव टू बी मेंबर ऑफ आइदर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा विद इन 6 months ऑफ वी गेटिंग व्हाट यू कॉल दिस मिनिस्टर पोस्ट, ठीक है। सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ओनली इफ ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो दैट्स नॉट करेक्ट, ठीक है। इवन इफ समबडी इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही और शी कैन बी मेड प्राइम मिनिस्टर, अगेन द सेम कंडीशन दैट विद इन द 6 months ही और शी विल हैव टू बी व्हाट यू कॉल member of any of the house, either by nomination or by election. So that is incorrect. Correct batana hai. So correct is only A, right? One only. A is would be the answer. 11th. Which of the following are associated with the inclusion of fundamental duties into the Indian constitution? So char cheeze yahan di hui hai is question mein. Hame batana hai ki fundamental duties se kis cheez ka relation, fundamental duty jo include ki gayi hai hamare Indian constitution mein, unme kis kis ka relation hai. To Swaran Singh committee, of course, unhone recommendation दिया था। 42nd constitutional amendment, of course, 42nd constitutional amendment से ही fundamental duties inclusion हुआ है। 44th constitutional amendment से कुछ लेना देना है क्या? 44th constitutional amendment से fundamental duties का कुछ लेना देना नहीं। 86th constitutional amendment से your right to education के साथ जो fundamental duties parents की तरफ जो add की गई थी 51A के, वो आपका include। So 1, 2 and 4 would be the right answer. 1, 2, 4 किस में है? 1, 2, 4 B. So B from my side is going. So B is the answer. 12th. Which of the following cabinet committee is often described as super cabinet? Of course, PAC, Political Affairs Committee is going to be the super. Can you respond me? Can somebody respond me कि भाई Political Affairs Committee को super cabinet क्यों बोला जाता है? Comment section में आप लोग बताना, ठीक है? So 13th. Which of the following पेयर इज करेक्टली मैच? यहाँ 3 पेयर्स दिए हुए हैं, 3 टॉपिक्स हैं या 3 प्रोविजन्स हैं, और उसे एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया हुआ है, और बताना है हमें कि करेक्ट, इनकरेक्टली मैच्ड, ओके, इनकरेक्टली मैच्ड हमें बताना। सो राइट टू एजुकेशन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी हमने डिस्कस किया, फंडा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में हुआ था। एंटी डिफेक्शन लॉ, 2nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नहीं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1985, सो ये भी गलत है। इनकरेक्टली मैच्ड हमें बताना, सो दिस इज इनकरेक्ट
करेक्टली मैच एंड दिस इज इनकरेक्टली. सो वन एंड थ्री आर इनकरेक्टली मैच. वेयर इज वन एंड थ्री? सो इन सी यू कैन फाइंड वन एंड थ्री. सो सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ 13th क्वेश्चन. 14th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, करेक्ट हमें बताना है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट के रिगार्डिंग. ड्यूरिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टेक पार्ट. वेयर इज ड्यूरिंग इम्पीचमेंट बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर टेक्स पार्ट. सो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट ना. प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ड्यूरिंग जब 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 इलेक्शन हो रहा होता तो सिर्फ नॉमिनेटेड नहीं पार्टिसिपेट, सिर्फ इलेक्टेड पार्टिसिपेट करते. बट जबकि आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, एक डिफरेंस हो रहा है कि नॉट ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो participate, but उसके ना होने से यह statement incorrect नहीं है. So this statement is correct. The sum of, और यहां बताना अपने को क्या है, करेक्ट ही बताना. The sum of value of vote of all MLA is equal to sum of, so ये equality maintain करने के लिए ये भी जरूरी है. ठीक है, so that is also the process of impeachment is purely executive process done by the legislature. No, it is judicial in nature as well. So first and second statement is correct, और हमें correct बताना है, and that's why A would be the answer. 1 and 2 is going to be the answer. 15th, we are moving to, with reference to the Union Council of Minister, consider the following statement. हमें नॉट करेक्ट बताना है और इंस्ट्रक्टिंग वर्ड्स पे आपको केयरफुली ध्यान रखना है कि इंस्ट्रक्टिंग वर्ड वेदर इट इज आस्किंग करेक्ट और नॉट करेक्ट. ठीक है, सो द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कॉजेज द रेजिग्नेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल. यस, दैट्स करेक्ट. स्विम और सिंक, स्विम ऑल एंड सिंक ऑल का फिनोमेना काम करता है. जैसे ही प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल हैव टू गो. ठीक है, अगर उस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन करने के बाद, वो पार्टी दूसरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये नहीं कह सकता कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है तो बाकी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने रहेंगे. फिर से वो दिलवा के सेम पर्सन को सेम पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, बट एट दैट मोमेंट वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाएगा, पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में, वो इंग्लिश में कोलैप्स होगा नहीं तो ध्वस्त होगा. All the members of the council resign by addressing letter to the PM. नहीं, ये गलत है आपका. ठीक है, because when they are resigning they address their letter. कोई भी council of minister has to resign, then he or she needs to submit his letter, resignation letter to address to president and not the prime minister. Not correct बताना है. So this is the second statement is not correct and hence B would be the answer. B is the answer. 16th, consider the following statement with reference to the office of vice president. ओके, यहाँ क्या बताना है हमें, करेक्ट बताना. ही कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द राज्यसभा. दैट्स करेक्ट ना. ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट एंड हेंस बोथ द स्टेटमेंट हमें करेक्ट बताना. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड हेंस सी वुड बी द आंसर. 17th, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है मतलब, ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है. एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट, कि लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा के प्रति जो है यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल. यूनियन ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल. नो, इंडिविजुअली नहीं रिस्पॉन्सिबल. ईच मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम. नो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो ये मतलब नहीं है. मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट इज नॉट बाउंड बाय द कैबिनेट, ये भी गलत है. हालांकि स्टेटमेंट भी गलत है और वैसे इस रिस्पेक्ट में भी गलत है. यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ बॉडी रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. सो दैट्स करेक्ट. डी वुड बी द आंसर. 17th का डी. 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ India. Returning a legislative bill for the reconsideration, he or she can do it, right? Returning the appropriation bill for the reconsideration, so appropriation bill is part of money bill and he cannot return it. राइट, मनी बिल को रिटर्न, मनी बिल को विदहोल्ड कर सकता है बट मनी बिल को प्रेसिडेंट या गवर्नर रिटर्न नहीं कर सकते. प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज मनी बिल उन्हीं के परमिशन से इंट्रोड्यूस हुआ है. राइट, सो दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव एंड दैट्स वाई बी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ 18th क्वेश्चन. ठीक है, बी इज द आंसर. 19th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हमें करेक्ट बताना है. सो ही इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग. ऑफ कोर्स ही इज द चेयरमैन of Niti Aayog. He advises the speaker with regard to summoning and proroguing the sessions of the parliament. तो देखो, speaker जो है summon and prorogue जो है, ये speaker का right नहीं है. This is the right of president. ठीक है, prime minister advise करते हैं
इसके लिए एडजोन वगैरह के लिए, बट एज फार एज समनिंग एंड प्रोरोगिंग इज कंसर्न ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज डन बाई द प्रेसिडेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें करेक्ट बताना है. तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ए वुड बी द आंसर. 20th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, द प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस गिवन अगेंस्ट बोथ यूनियन लॉज एंड स्टेट लॉज. दैट्स करेक्ट ना, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड व्हाट यू कॉल प्रेसिडेंट. दैट्स करेक्ट, और करेक्ट हमें को बताना है. इट इज एग्जीक्यूटिव इन नेचर, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट, एंड दैट्स वाई सी इज गोइंग टू बी द answer. C is the answer. So with this, I am wrapping up this session. 20 question आपके हो गए. Please let us know the feedback कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये question answer का session. Should we continue? Should we take it at another level? Should we be doing this initiative for the other subjects like history or geography as well? Do encourage us. Do comment us. Do let us know your feedback. That gives us encouragement. Okay. So अभी के लिए bye bye. Thank you.